होटल बार और रेस्टोरेंट में आप जो भी खाते हैं उसके लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि जल्द ही खाद्य पदार्थों की कीमतें 15 से 25% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसका कारण दाल, सब्जियों, मसालों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि है, जिससे उनके लाभ मार्जिन पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार दूध के दाम भी 5 रुपए तक बढ़ाने की योजना बना रही है। होटल व्यवसायी भी ग्राहकों पर अधिक बोझ डाले बिना खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। न केवल कच्चे माल की बढ़ती कीमतें बल्कि बिजली और पानी की दरों में बढ़ोतरी भी होटल व्यवसायों को अपने रेट कार्ड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मजबूर कर रही है। बृहद बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव, जिसके दायरे में 24,500 भोजनालय हैं, उन्होंने कहा शहर के कुछ होटलों ने बढ़ती इनपुट लागत के कारण उनके व्यवसाय पर असर पड़ने के कारण पहले ही खाद्य पदार्थों की कीमतों में संशोधन कर दिया है। पीसी राव ने कहा कि चना, दाल, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से भारी वृद्धि देखी गई है। होटल व्यवसायियों के लिए अब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ना लाजमी है।